बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ नदरू यखनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले मैंने 1 केजी नदरू लिए हैं, जिन्हें मैंने ऐसे पीसेस में कट किया है। आप चाहे तो बड़े छोटे भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पॉट लिया है, जिसमें मैंने 1/2 लीटर पानी लिया है। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून हल्दी ऐड करूँगी। और नदरू को जो है अच्छी तरह से मैंने धो लिया था। ये जो पानी है उबल रहा है, और ये जो नदरू है इसमें मैं ऐड करूँगी। अब इनको मैं एक उबाल दूँगी, उसके बाद मैं गैस को बंद करके इसे अच्छी तरह से धो के रख दूंगी। ये पानी हमें फेंकना है, और दोबारा से फिर नदरू को हम धो लेंगे ठंडे पानी से। देखिए पानी जो है उबल रहा है, और अब मैं गैस को बंद करके ये पानी हम सारा निकाल के नदरू को धो लेंगे। अब यहाँ पर मैंने पैन लिया है, जिसमें मैंने तेल लिया है, और इसमें हमें नदरू को फ्राई करना है। तेल जो है गर्म हो चुका है, अब हम नदरू के पीसेस को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमने इनको अच्छी तरह से धो लिया था दोबारा से, और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। इन्हें हमें ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इनको ज़्यादा फ्राई करेंगे तो ये हार्ड हो जाएंगे। हल्का सा इनको फ्राई करेंगे और तेल में से निकाल देंगे। हाई फ्लेम पे ही हम इन्हें फ्राई कर रहे हैं। देखिए नदरू जो है फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हैं इनका कलर बिल्कुल भी हमने चेंज होने नहीं दिया, और इन्हें हम निकाल के साइड में रख देंगे। सारे नदरू को हम ऐसे ही फ्राई करके रख देंगे। सारे नदरू जो है फ्राई हो चुके हैं, और अब यहाँ पर मैंने एक कुकिंग पॉट लिया है, जिसमें हम ये फ्राइड नदरू जो है ऐड करेंगे। और अब मैं इसमें 2 बड़ी इलायची, 2 लौंग, 8 से 9 दाने काली मिर्ची के ऐड करूँगी। इसमें मैं 4 से 5 छोटी इलायचियाँ और 2 टुकड़े दालचीनी के ऐड करूँगी। अब मैं इसमें सौंठ 1/2 टेबल स्पून ऐड करूंगी, सौंफ 1 टेबल स्पून, कूटा हुआ गार्लिक 1 टेबल स्पून, नमक टेस्ट के हिसाब से आप ऐड कीजिएगा, और इसमें मैं 1/2 लीटर पानी ऐड करूंगी। अब हम इसे उबलने के लिए रख देंगे हाई फ्लेम पे। देखिए ये उबल रहा है, देखिए यहाँ पर ये उबल रहा है। और अब यहाँ पर मैंने 1 केजी दही लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। इसे मैं डायरेक्टली ऐड करूँगी नदरू में। आप चाहे तो इसे अलग से भी आप पका सकते हैं, पर यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है, हमें कंटिन्यूसली इसे हिलाना है यानी मिक्स करना है, और हाई फ्लेम पे पकाना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। देखिए ये उबल रहा है, और दही जो है बिल्कुल भी फटा नहीं है। अब हम इसे मीडियम हाई हीट पे 10 से 15 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें कूटा हुआ फ्राइड अनियन ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून। और अब मैं इसमें 1 टीस्पून पुदीना ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो पुदीना ज़्यादा कम ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इसमें 2 टेबलस्पून घी ऐड कर रही हूँ। अब हम इसे ढक के 10 से 12 मिनट तक स्लो फ्लेम पे पकाएंगे, जब तक ग्रेवी
हल्की सी गाढ़ी ना हो जाए। देखिए तकरीबन 12 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे चेक करेंगे। नदरू यखनी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं घी भी ऊपर आ चुका है और अब हम इसे सर्व करेंगे। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।